तक हमने डिफरेंशिएशन किया था, अब ये इंटीग्रेशन वाला है टॉपिक। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाता है जो कि जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, है ना, या ऐसा जो इंटीग्रेबली ना हो, जो हमें मेथड्स पता है, वो तो लिमिटेशन होती है ना, कई फंक्शन जो हमारे पास मेथड्स हैं उनसे इंटीग्रेट ही नहीं होते हैं, तो या तो तब ज़रूरत पड़ती है, और या फिर जब हमें फंक्शन ना दे करके टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज दे दी जाती हैं। अगर हमें फंक्शन नहीं पता, टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज ही पता है कि एक्स नॉट इतना है तो वाई नॉट इतना है, एक्स वन इतना है, वाई वन इतना है, जब ऐसे वैल्यूज दे रखी होती हैं तो जो हमारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के वो काम नहीं करते, वो तो तब होते हैं जब हमें फंक्शन पता हो, है ना। में तुम्हें दो रूल्स हमारे कोर्स में, एक ट्रेपिजॉइडल रूल है और एक है सिंपसन्स वन थर्ड रूल। तो सपोज हमारे पास जो है इस तरह से पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे पहले दे रखे होते थे एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सो ऑन एक्स एन वाई एन, ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, और हमें जो है इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स एन, इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एन। एक्स एन हमारा क्या है? एक्स जीरो प्लस एन एच, इक्वली स्पेस्ड है, एच उसकी विड्थ है, तो एक्स एन हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एन एच। तो एक्स जीरो से एक्स एन तक मुझे इंटीग्रेशन चाहिए ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कौन सा है? जो इन पॉइंट से पास करता है, ठीक है, एफ एक्स द फंक्शन विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स। तो इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एच अपॉन टू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू प्लस सो ऑन प्लस वाई एन माइनस वन। वेयर वाई इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस मैम। अब इसको फॉर्मूला को कभी कभी ऐसे भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ आ सकता है, एच इंटू मतलब टू को अंदर ले जाए तो ये हो जाएगा वाई नॉट प्लस वाई एन अपॉन टू प्लस ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया वाई वन प्लस वाई टू प्लस सो ऑन प्लस वाई एन। तो ये फॉर्मूला कहीं कहीं ऐसे भी तुम्हारे सामने आ सकता है, तो बात एक ही है, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज प्लस सम ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ वाई, हमारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं। तो ये इस फॉर्म में भी फॉर्मूला हो सकता है, ये लिखाओ या ये लिखाओ, बात बराबर है, तुम जिस भी फॉर्म में चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करा लूँ फिर नेक्स्ट रूल दूंगा, नहीं लो मैं करना हो इंटीग्रल माइनस वन टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएट दिस यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। मतलब पॉइंट्स भी गिवन हो सकते हैं और ये हो सकता है पॉइंट्स ना गिवन हो, ऐसे फंक्शन दे रखा हो, तो इवैल्यूएट दिस यूजिंग ट्रेपेजॉइडल
ट्रापेज़ोइडल रूल बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू सिक्स पार्ट्स। ठीक है, तो अब सिक्स पार्ट्स में रेंज को डिवाइड करना है हमको, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है इसमें, मतलब हम इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, जो हमें फॉर्मूला पढ़े हुए हैं पहले। पेपर में लिखा हुआ है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, तो ट्रेपेजॉइडल रूल ही अप्लाई करना है। अब ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करने के लिए हमको ये कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इंटरवल को, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये वहां पर पेपर में लिखा हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू सिक्स पार्ट्स। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो अब ये कितने पार्ट्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सेवन, नहीं पार्ट्स, पार्ट्स मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये माइनस वन है, ये फाइव है, ठीक है, और ये बीच में आया जीरो, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ऐसे, ये फिर आया वन, ये आया टू, ये गलती नहीं होनी चाहिए ना पेपर में, तो ये कितने पार्ट्स हो गए देखो, एक, six, दो, तीन, चार, पांच, छह, है ना, तो ये सिक्स पार्ट्स हो गए, जितने पॉइंट्स होते हैं उससे एक कम हो जाता है पार्ट, जैसे ये छह पॉइंट, सात पॉइंट्स है ना, माइनस वन, जीरो, वन, ये ऑर्डिनेट अगर काउंट करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट काउंट करोगे तो छह है ना, सात है ना, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए, सिक्स, एक कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्या होगी, माइनस वन पे क्या आएगी, पुट करो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन में, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन टू, जीरो पे, जीरो पे वन, वन पे टू, टू पर थ्री, टू पे थ्री, टू पर फोर, फाइव, 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 थ्री पे नाइन प्लस टेन, सिक्सटीन प्लस फिर सेवेंटीन, ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, तो अब इंटीग्रल माइनस वन टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन टू इंटू वाई जीरो प्लस वाई एन, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म, और प्लस एच अपॉन टू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू टाइम्स वाई वन प्लस वाई थ्री, मतलब रिमेनिंग टर्म्स, ऐसे याद रखो। ठीक है, सो एच कितना है यहाँ पे, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है यहाँ पे वन, वन, तो वन बाय टू, अब वाई जीरो कितना है, वाई जीरो है टू, टू प्लस वाई एन, प्लस वाई एन टू पॉइंट मतलब ट्वेंटी सिक्स, प्लस टू टाइम्स
प्लस टू टाइम्स हमारा वाई वन ना, वाई प्लस, वन है वन तो ये सारे प्लस लिखते जाओगे। उसमें एक एजम्पशन चलती है कि यहाँ पर हम जो होता है ना, एक तरह से इस फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए पहले हम एरिया निकालते हैं, एक तरह से -1 और मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर हाँ -1 है, ये 0 है, तो पहले इन दो पॉइंट्स के बीच का एरिया निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन अच्छा मार, अच्छा फिर 0 से 1 इसका निकालते हैं, ठीक है ऐसे। तो हम इसमें इसको स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, जो भी ये पॉइंट्स है ना, इनको स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं ना, तो ये सारे एरियाज को फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है कि हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं, लेकिन जो 1/3 सिम्पसन रूल है उसमें क्या है, हम 3 पॉइंट्स को इकट्ठा लेके चलते हैं और वहां पे हम उसको ऐसे क्वाड्रेटिक मानते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उसका फॉर्मूला जो डेवलप होता है, तीन तीन पॉइंट्स को इकट्ठा लेकर के उससे डेवलप हुआ है। इसका फॉर्मूला दो दो पॉइंट्स को इकट्ठा लेकर के डेवलप हुआ है। तो ये डिटेल में कायदे से जाना चाहिए, पर अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में नहीं आती हैं ये चीज़ें, तो फिर मैं भी स्ट्रेस नहीं देती हूँ, ठीक है। तो बेसिक हमें फिर भी पता होना चाहिए, पहले ये कर लो फिर मैं लिखवा दूंगी तुम्हें। दिस इक्वल टू हाफ इंटू, कहीं कोई पूछ लेता है तो कुछ तो पता होना ही चाहिए सिर्फ, है 28 प्लस 2 टाइम्स कितना आएगा ये, 35। मतलब 20 प्लस 20। 26 प्लस 2 कर दिया और ये सारे को ऐड कर दिया, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, दे चेक कर लो मेरे तो। एक मिनट चेक कर देता हूँ इसको, फॉर्मूला वाई वन वाई टू प्लस फाइव वन तक ओके इक्वल्स टू। अच्छा अच्छा समझ गया, मैं फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा था, समझ गया। 28 प्लस टू इक्वल्स टू इनटू 45। तो ये ये आ गया बाबा 49 आ गया, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम इसको मतलब कितना आंसर डिफरेंट है हमारा फ्रॉम एक्चुअल इंटीग्रेशन। तो जो हम एक्चुअल इसका आता है -1 to 5 x2 + 1 dx को अगर हम अपने जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो यूज करते हैं, तो x2 का इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि कभी कभी वो डिफरेंस पूछ भी लेते हैं कि एरर कितनी आ रही है, तो x2 का कितना होगा इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स एक्स 3 मतलब एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। और 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल एक्स तो इसमें -1 to 5, ठीक है, तो वो इसमें पुट कर देते थे हम, याद है ना, तो 125/3 + 5 माइनस माइनस 1 पुट करोगे तो -1/3 -1, हाँ तो ये आ जाएगा 125/3 + 5, और ये कितना आ रहा है, -+1/3 + 1 ये आ रहा है ना, तो इसमें 5 + 1 6 हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 125 + 15 + 1 + 3/3, एलसीएम दे दिया मैंने, -48 आ रहा है। हाँ हाँ तो देखो वैसे 49 आया, ये 48 आया है ना, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ये डिफरेंस आ गया।
ठीक है। तो इसको जो है ट्रेपेजॉइडल रूल इज कंसिडर टू बी लेस एक्यूरेट देन सिम्पसन्स रूल। तो इसमें जो एक चीज तुम्हें थ्योरी में तुम जान ही रहे हो, तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखो कि इन ट्रेपेजॉइडल रूल एंट्रेपी रूल एफेक्ट्स इज टेकन एज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। वो जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन्स मान लेते हैं, मतलब इसमें ऐसे मान लेते हैं कि -1 से 0 एक स्ट्रेट लाइन है, 0 से 1 फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर 1 से 2, इस तरह से लीनियर को कंबाइन करके। तो क्योंकि ये लेस एक्यूरेट होता है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो दूसरा रूल दिया, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल में क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो इस केस में क्या है, इन सिम्पसन्स रूल मैंने बताया ना, तीन तीन पॉइंट्स इकट्ठे लेके चलते हैं। जैसे यहां पर है -1 0 1, तो ये तीनों को इकट्ठा लेंगे तो एक पैराबोला टाइप की शेप बनेगी। तो इन सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एफेक्स इज अ क्वाड्रेटिक कहीं कुछ डिफरेंस पूछा जाए तो तुम्हें पता नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो तीन तीन पॉइंट्स को यूनाइट करके और फिर उससे फॉर्मूला डेवलप होता है, ये सिम्पसन्स 1/3। तो इट्स मोर एक्यूरेट देन ट्रेपेजॉइडल। सिम्पसन्स रूल में क्योंकि वो तीन तीन पॉइंट्स को यूज करता है, तो इसलिए इसकी एक ड्रॉबैक भी आ जाती है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, सिम्पसन्स रूल इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इवन। नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब है ये जो हमारे x0 x1 x2 होते हैं ना, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 6 पॉइंट्स है ना, नहीं 7 पॉइंट्स है। ऊपर देखो इस वाले क्वेश्चन में जो हमने डिवाइड किया है, 7 पॉइंट्स है ना हमारे पास, तो यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकता। तो इसको अगर हमें अप्लाई करना है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो इवन होने चाहिए, मतलब कि जो इंटरवल्स हैं वो इंटरवल्स जो है वो ऑड हो जाने चाहिए। ठीक है, तभी ये अप्लाई होता है। तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, सॉरी, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स आर इवन, दैट इज द नंबर ऑफ दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर ऑड।
तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड होने चाहिए, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड है ना, सात है ना, सात ऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें. तो नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो इवन होने चाहिए. हमने ऊपर सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैंने बताया था तुम्हें. हाँ. तो अगर पूछा जाता है, पेपर में आता है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, या तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स याद रखो या नंबर ऑफ पार्ट्स याद रखो. दोनों चीजें करोगे तो माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना. तो हम जो इसको ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं इंटरवल को, तो नंबर ऑफ पार्ट जो है वो हमारे क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए. या ये डेटा जो है उसमें पॉइंट्स जो है वो ऑड होने चाहिए. तुम्हारे सामने ये डेटा दे रखा है, तो ये यहाँ पर एन ऑड होना चाहिए, ऐसे समझ लो. एन ऑड नहीं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड होने चाहिए. एक्स जीरो वाई जीरो भी तो है ना, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए. अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूला में इंटीग्रल एक्स जीरो टू एक्स एन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एच बाय थ्री वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस फोर टाइम्स वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस सो ऑन प्लस वाई एन माइनस वन ऑड वाले प्लस टू टाइम्स वाई टू प्लस वाई फोर प्लस सो ऑन प्लस वाई एन माइनस टू. ये फॉर्मूला है. और एक्स एन जो है वो किसके इक्वल है, एक्स जीरो प्लस एन एच. ठीक है, समझ आ गया. यस मैम. अब इसके लिए ये अप्लाई करो ऊपर वाला क्वेश्चन. अब इससे करो माइनस वन टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इंटीग्रल माइनस वन टू फाइव. सेम क्वेश्चन दोबारा करके देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. तो हमने इसको सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. एच हमारा वन है, वन बाय थ्री. वाई जीरो कितना था, वाई जीरो इज टू और वाई एन इज 26. तो टू प्लस 26 तुमने कॉपी में लिखा हुआ है, तो वहां से देख के बताओ मुझे. अच्छा ये वाई वन वाई थ्री क्या है. वाई वन है हमारा टू, नहीं वन है, वाई वन वन है प्लस वाई थ्री है हमारा फाइव प्लस उसके बाद वाई थ्री के बाद क्या आएगा, वाई फाइव. हाँ वाई फाइव हमारा 26. 26 तो आ चुका है. तो फिर क्या आएगा, वन प्लस फाइव आएगा बस, फिर इतना ही आएगा. हाँ इतना ही आएगा. यहाँ देखूँ मैं, देखो एक तो ये आया वन, एक फाइव, एक 17 भी तो है. 4 17. हाँ 16 10 के बाद 17. एक छोड़ के एक लिखना है ना, एक छोड़ के एक लिखना है. ये वाई जीरो है, ये वाई वन है, ये वाई टू है, ये वाई थ्री है, ये वाई फोर है, ये वाई फाइव है, ये वाई सिक्स है. ठीक है, वाई सिक्स. हाँ अब वाई टू कितना, टू है. उसके बाद वाई फोर टेन, वाई टू प्लस टेन, टेन प्लस 26 26 हो चुका है. हाँ
अभी इसको अप्लाई करो, 1/3 28 28 4 प्लस 4 7 5 3 प्लस वो 144 है, 144 है वो। अच्छा 144 डिवाइडेड बाय 3 48। हाँ और एक्चुअल आंसर क्या था, देखिए कितना फर्क आया। एक्चुअल आंसर हमारा था वो भी 40 नहीं, वो भी तो 48 ही था। 48 तो देखो ये ज्यादा एक्यूरेट है ना, यही मैं तुम्हें कह रही हूं। ओके है ना, सिम्पसन्स मेथड रूल इज मोर एक्यूरेट। यहां तो एग्जैक्ट आ गया, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आए, बट हां वो ज्यादा एक्यूरेट। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब ये करो क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 + x² टेकिंग। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ये इजी है टॉपिक। टेकिंग h इक्वल टू 1/4 यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल। समझ में आ गया क्या करना है हमें? हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है। दूसरा उसने कहा एच को 1/4 लो। तो अब सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक्स वाई। ठीक है, y क्या है 1/x². अब सबसे पहले x 0 लोगे, 0 पर वैल्यू क्या आएगी 1। फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर? 1/1 + x². हाँ, इसी में तो वैल्यू पुट करके निकालेंगे। हाँ, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 पे वैल्यू आ रही है 0 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
प्लस वन डिवाइडेड बाय 16, वन अपॉन 17 बाय 16। अच्छा तो ये है 2.0625। जीरो पॉइंट नाइन फोर वन। नहीं अभी ऐसे ही रहने दो, अच्छा डेसिमल मत करो, बाद में देखेंगे। हाँ ओके ओके 1/4 पर 16/17 आई। हाँ 16। अब नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या लोगे? नेक्स्ट एक्स की वैल्यू वो तो थर्ड है ना। 1/4 विड्थ है तो नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस 1/4 वो हो जाएगा 2/1/4। अरे टू, हाँ मैम 2/1/4। 2/4, हाँ 2/4। 2/4 मतलब फोर हाफ हो हो गया। गया, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। 1/1/4 5/4/5। 4/5। अब नेक्स्ट एक्स क्या लोगे? मैक्स लेंगे 1/2 प्लस 1/4। इसमें टू 1/4 ऐड करते जाओ ना, बाय टू बाय फोर फोर प्लस में वन वन बाय बाय हाँ थ्री 3/4 वन ही तो ऐड कर। 1/4 ऐड करते जाना, बस जितना एच दे रखा है वो ऐड करते जाना है एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग से। तो 2/4 प्लस 1/4 3/4, ठीक है। अब 3/4 पे क्या आएगी? क्या आएगी?
वन अपॉन वन प्लस थ्री बाय फोर स्क्वायर, 9/16 प्लेट रिजल्ट हो रहा है। ओके, 9/25 by 16 by 25, 16 by 25। और नेक्स्ट क्या आएगा आज? नेक्स्ट आएगा हमारे पास 4/4 माने वन, वन अपॉन प्लस 1/2। ठीक है, अब सिम्पसन्स वन थर्ड रूल लगाओ। इंटीग्रल 0 to 1 वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो एच बाय थ्री। क्या फॉर्मूला है? बार एच बार फॉर्मूला लिखो तभी याद होते हैं। और यहाँ पे देख लो कहाँ तक है तुम्हारा, ये वाई जीरो है, ये वाई वन है, ये वाई टू है, ये वाई थ्री है, ये वाई फोर है, लिख लो ताकि गलती ना हो। हाँ, अब यहाँ पर क्या आएगा, वाई जीरो प्लस, वाई जीरो प्लस वाई एन हाँ, या वाई फोर लिख लो और आसान हो जाएगा ना, तो लिए प्लस वाई फोर प्लस टू डिवाइड इनटू वाई टू प्लस, टू टाइम्स वाई टू, और तो कोई रह नहीं आगे, प्लस हाँ फोर टाइम्स 4 times वाई वन प्लस वाई थ्री। बस हाँ अब इसे पुट कर दो। एच है 1/4 तो ये 1/12 हो गया, वाई जीरो प्लस वाई फोर तो 1 + 1/2। मुश्किल नहीं, मुश्किल तो नहीं है। है ना, पहले वाले से ज्यादा आसान है ये। वाई वन प्लस वाई थ्री, ये सारी चीजें याद रखने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, ये आसान नहीं है इनको याद रखना फॉर्मूलास की। हर चीज का माइंड माइंड मैप समझते हो, तो हर टॉपिक का एक माइंड मैप बनाओ, किस केस में क्या करना है कैसे करना है, फिर तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। हर टॉपिक के ऊपर ना एक माइंड मैप बना दे जाओ, चार्ट टाइप, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, फिर दिमाग में बैठे। सो दिस इक्वल टू 1/12 थ्री, क्या आ रहा है, 0.7853। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन का। क्वेश्चन कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, टेकिंग एच को यूज सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ये था। इसमें आगे एक पार्ट और है, यहाँ लिख देती हूँ। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब ये हमारा है 0 to 1 dx अपॉन 1 + x2। अब इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला तुम्हें याद है, 1 upon 1 + x2 का क्या फॉर्मूला होता था? इंटीग्रल होता था tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये कुछ एक जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो याद कर लेना, जो 12th में थे बेसिक फॉर्मूला। तो ये इंटीग्रल होता है टैन इनवर्स एक्स। अब ये 0 to 1 है तो इसमें 0 to 1 पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1 वन प्लस हाँ माइनस टैन इनवर्स ऑफ 2 जीरो है। अच्छा जीरो जीरो हाँ जीरो हाँ। तो टैन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है, टैन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब वो एंगल जिस पर वैल्यू 1 हो जाए, 1 इक्वल टू टैन थीटा। तो किस एंगल पर वैल्यू 1 होती थी?
टैन की जीरो पे पाई बाय फोर पे, तो कॉस की वैल्यू वन होती है, दिस इज पाई बाय फोर, और इसी तरह से टैन इनवर्स जीरो इज जीरो। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हमारा आंसर आ रहा है पाई बाय फोर, और हमने निकाला है आंसर 0.7853। तो इसका मतलब पाई बाय फोर इक्वल टू हम ले सकते हैं 0.7853। तो दिस इम्प्लाइज पाई इक्वल टू 4 × 0.7853। तो ये इवेल्युएट कर लोगे तो वो रफ वैल्यू आ गई पाई। निकालो क्या आती है 3.1412 ऐसे कुछ आ रही है, यही वैल्यू होती है ना पाई की 3.14। तो यहाँ से भी हमारे पास यही आ गई, जिससे पता चलता है ना कि हमारा सिम्पसन जो है फॉर्मूला काफी एक्यूरेट है ना, पाई की वैल्यू भी वही आ गई जो हमारी होती है। तो इसको यूज करके तुम ये क्वेश्चंस देखो एक्सरसाइज 11.2 में, इंटीग्रल -2 to 2, क्योंकि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ जाए हमें पता नहीं होता। अब यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज दी है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, टेकिंग एन इक्वल टू 4। अब हमें इंटरवल क्या बनाने हैं ये सोचना पड़ेगा ना, एक्स जीरो क्या लें, एक्स वन क्या लें, एक्स टू क्या लें, तो पेपर में कैसे सोचोगे। तो हम हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स एन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एक्स एन क्या है यहाँ पे 2, एक्स जीरो क्या है -2 प्लस एन एच, तो एन क्या है 4 दे दिया उन्होंने, तो n को यहाँ पे 4 ले लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया 4 = 4h, this implies h = 1। तो हमें 1-1 यूनिट की विड्थ पे टेबल बनानी है। ठीक है, दो कंसेक्टिव वैल्यूज में 1 का डिफरेंस होगा, ऐसे करके तुम निकालोगे -2। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा गैप कितने का है, गैप एक मिनट, गैप एक है ना, ये इक्वल टू 1 आया ना। हाँ, गैप इक्वल टू 1 आया, तो -1 0 1 1 2 3 4। ठीक है ना, तो अब इसके इससे तुम फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे और फिर रूल अप्लाई कर दोगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे हमें टेबल बनानी है, एच निकाल लोगे कि एच क्या है इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी आती है तो। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू 6 पार्ट्स, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब ये क्या लिखा होगा वहां पे उसके हिसाब से तुम्हें देखना है, और ऐसे भी लिखा हो सकता है जैसे यहाँ पे दे दिया एन इक्वल टू 4, तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से देखोगे और डिवाइड करोगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, देखो पेज 11.23 पर, पेज 11.23 देखो, यस सर, सम यूजफुल फॉर्मूलाज, ये तीन फॉर्मूलाज दे रखे हैं ना, सम यूजफुल फॉर्मूलाज, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस इज इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, हालांकि मॉड होता है इसमें, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, मॉड के अंदर होना चाहिए। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व, तो ये समझते हो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व का क्या मतलब है। जब हम कर्व को रिवॉल्व करते हैं किसी एक्सिस के अलोंग, तो एक सॉलिड फिगर बनती है ना, समझ पा रहे हो।
जैसे जैसे तुम इमेजिन करो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये मैंने एक कर्व ले लिया, ये कर्व ऐसे। अब मैं कहूँ इसको रिवॉल्व करो इस लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग। तो अगर इस कर्व को रिवॉल्व करोगे उठा करके तो ये घूमेगा इस लाइन के अलोंग, तो एक फिगर बनेगी ना। ये इधर इधर आएगा, इधर आएगा, मेरी तरफ आएगा, नीचे जाएगा, फिर उस तरफ जाएगा। बनेगी नहीं अच्छा अच्छा बनेगी? अच्छा वो समझ गया मैं, ग्राफ की तरह। ओके हाँ, तो अगर इस कर्व को हम रोटेट करें इस लाइन के अलोंग तो एक हमारे पास फिगर बन जाएगी, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल टाइप्स हाँ सॉलिड। वो मतलब है इसका। ये जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो थ्री डी ये जो हाँ सॉलिड फिगर बन गई इसका वॉल्यूम निकालना है, ऐसे समझ लो। ए टू बी, ए टू बी, एक्स एक्सिस पर ए टू बी ले लिया, इतने एरिया में उसने रिवॉल्व किया तो एक ऐसे मटकी सी बन गई, इसका हाँ वॉल्यूम निकालना है। तो उसका ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। 0.2 जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्मड बाय रिवॉल्विंग द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ये समझ में आ गया? हाँ यस सर। ये लिखूं मैं फॉर्मूलाज या तुम मार्क कर रहे हो अपनी बुक में ही? नहीं मैं बुक में मार्क कर रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हें ये याद करने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। इसी गुड तरह से थर्ड है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है ऐसे, हमें लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी में। तो ये मान लो कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ए कॉमा एफ ए जहाँ मैंने क्रॉस बनाया, ऐसे इसका ये कोई पॉइंट है बी कॉमा एफ बी। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी? ये ए से बी तक, ये पार्ट। अगर हमें कहीं पर ये निकालना हो इंटीग्रल ए टू बी, अगर हमें ये निकालना हो आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू बी, ये जो मैंने डार्क कर दिया ना, इतना निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है इंटीग्रल ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स।